अबोहर में अभिषेक सिदाना के नेतृत्व में दुकानदारों ने डीसी से मिलकर करवाया समस्या से अवगत। डीसी ने कहा कल से पुराने बस स्टैंड से चलेंगी बसें। दुकानदारों की समस्या का हल कर डीसी ने दी राहत, अभिषेक सिदाना ने दी जानकारी। अबोहर में पिछले करीब 3 माह से बस स्टैंड के दाना मंडी में स्थानांतरित होने से ग्राहकों के न आने से परेशान शहर के दुकानदारों को आज उस समय राहत मिली जब अबोहर पहुंची जिला उपायुक्त ने दुकानदारों व व्यापार मंडल की मांग पर शुक्रवार से बस अड्डे को पुरानी जगह से चलाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि कल देर रात शहर के दुकानदारों ने मेयर द्वारा पुराना बस अड्डा न शुरू के बयान के बाद शहर में रोष मार्च निकाला था। जानकारी के अनुसार व्यापार मंडल के महासचिव अभिषेक सिदाना व संयुक्त सचिव विजय उपवेजा, सदर बाजार एसओ के प्रधान मदन लाल डोडा व सर्वजीत कामरा के नेतृत्व में शहर के सैकड़ों दुकानदार आज निगम में डीसी से मिले और उन्हें समस्या बताई कि पिछले 3 माह बस अड्डे के मंडी में चले जाने से सैकड़ों दुकानदारों का काम ठप पड़ा है और आगामी दिनों में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए उक्त बस अड्डे को पुराने बस स्टैंड के स्थान पर ही लाया जाए। जिस पर डीसी ने विभिन्न ट्रांसपोर्ट ब्यूरो के अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए कि शुक्रवार से सभी बसें निर्मित हो रहे पुराने बस स्टैंड के स्थान से चलाई जाए, जिस पर सभी दुकानदारों ने डीसी का आभार जताया। इस मौके पर अभिषेक सिदाना व विजय उपवेजा ने कहा कि दुकानदारों की गंभीर समस्या को समझते हुए डीसी ने सराहनीय कदम उठाया है, जिसके लिए व्यापार मंडल उनका आभारी है। इस मौके पर व्यापार मंडल के उपप्रधान शीतल मुंजाल, संयुक्त सचिव विजय उपवेजा, ईशान गुप्ता व अन्य दुकानदार मौजूद थे। इधर मौके पर मौजूद आर्तिया एसोसिएशन प्रधान पीयूष नागपाल व किन्नू मंडी एसोसिएशन के इंद्र शर्मा ने डीसी एवं का आभार जताया कि बस अड्डे के वहां से चले जाने से किसानों व आर्तियों को काफी राहत मिलेगी। अबोहर से आरबी लाइव मीडिया के लिए अंशुमन गगनेजा की रिपोर्ट। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੱਲ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਨੇ? ਉਹ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਸ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਸਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ